जी हाँ, शुरुआत पहली गेंद स्ट्राइक पे कुलदीप, यहाँ पर डिसेंड है। जी हाँ, पहली गेंद शुरू। नितेश, इनका भी काफी अन ऑर्थोडॉक्स स्टांस, ये देखना होगा अंपायर का डिसीजन। जी नहीं, तो अब ये यहाँ पर ये पहली गेंद होते हुए एक गेंद और तीन रन, अच्छा सिंगल चुराया यहाँ पर। अब कुलदीप स्ट्राइक पे अगली गेंद के लिए, इनका रहना इनकी टीम के लिए बहुत जरूरी, लोकल प्लेयर हैं, उनको मालूम है, खेलते हैं बॉक्स क्रिएट। अगली गेंद लेके आते हुए यहाँ पर ऋषभ, एक गेंद और पांच रन। एक गेंद और पांच रन, टीम मीटिंग सा कुछ है यहां पर हमें माहौल दिखता हुआ, सारे प्लेयर्स जाके बॉलर को समझाते हुए। पहली गेंद पे ही पांच रन हो चुके हैं, अब दूसरी गेंद लेके आते हैं यहां पर ऋषभ, गेंद लेके तैयार है स्ट्राइक पे नितेश। अगली गेंद, हाँ चलाकी दिखाते हुए यहां पर, एक्शन कुछ और गया, दिखाया कुछ और, ये फास्ट टाइम एक्शन करके एक स्लोअर गेंद यहां पर डालते हुए। पहले ओवर की, पहले ओवर में हमने काफी सारा वेरिएशन देख लिया यहाँ पर बॉलर के द्वारा। नितेश बीट होते हुए इस गेंद पर, नितेश फिर से एक बार स्ट्राइक पे, डॉट गेंद हुआ है यहाँ पर, इस मैच का पहला डॉट बॉल। अगली गेंद लेके आते हुए, और जी हाँ देखना होगा हम, रन नहीं है। अगली गेंद, ये गेंद वाइड जा रही थी बट वाइड जाने नहीं दी मुझे लगा नितेश ने। अगली गेंद लेके आते हुए वापस से बेहतरीन गेंद, यॉर्क तो थी बट एक रूल है जहां तक हमें मालूम है कि गेंद अगर फुल टॉस गिरी स्टंप के पीछे, भले बॉक्स क्रिकेट का काफी बेसिक सा रूल है, अगर आपकी गेंद फुल टॉस स्टंप के पीछे गिरती है विदाउट कॉन्टैक्ट बैट्समैन के, तो आपको ये गेंद वाइड दी जाएगी, और अब वेस्ट हाइट का तो रूल है ये नो बॉल का। अगली गेंद लेके आते हो यहाँ पर नितेश को, रन कितना, रन 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 रन, हाँ नितेश है, रन कितना बॉल, तीन बॉल हुआ ना, तीन बॉल छह स्कोर होता हुआ, तीन गेंद और छह रन। हाँ ये अच्छी गेंद थी, ये प्रॉपर इनके बैट पे लगे नितेश से, जो जहां तक मुझे लगा कि ये फर्स्ट बॉल कनेक्ट हुई इनके बैट पे प्रॉपरली। तो अब स्ट्राइक पे कुलदीप को संभल के खेलना होगा, इनकी टीम की ये सबसे काबिल बल्लेबाज जो स्कोरिंग रेट को कभी भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, एक ओवर में दो या तीन चौके की जरूरत हो तो भी मानने में सक्षम। अगली गेंद लेके आते हुए यहां पर ऋषभ, एक रन स्कोर बढ़ता हुआ आठ रन, एक गेंदों पर पांच रन थे, हालांकि रन उसके हिसाब से कम आए बट पहले ओवर के हिसाब से रन अच्छा है, अब विकेट नहीं थी वो एक प्लस पॉइंट है, आठ रन हो चुके हैं। अगली गेंद लेके आते हुए यहां पर ऋषभ, नितेश कप्तान इस टीम के, वो होंगे स्ट्राइक पर, देखना होगा क्या करते हैं ऋषभ। लास्ट गेंद पहले ओवर की, फिर से एक इंस्टिंक्टिव और
अगली ओवर लेके आएंगे अंकुल लेफ्ट आर्मर, पहले लेफ्ट आर्मर देखने को मिलेंगे इस टूर्नामेंट में। लेफ्ट आर्मर का अलग ही वैल्यू होता है, चाहे वो बॉक्स हो चाहे वो ओवर आर्म हो, लेफ्ट आर्मर्स की बहुत वैल्यू की जाती है बिकॉज उनका एंगल जो राइट हैंडर्स की तरफ होता है वो अंदर और बाहर दोनों निकाल सकते हैं। बट अब देखना होगा अंकुल, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज राइट हैंडेड बैट्समैन कुलदीप के सामने, कुलदीप होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शशांक होंगे। पहली गेंद दूसरे ओवर की, स्ट्राइक पे कुलदीप, पहली गेंद अंगूर की, ओ बढ़िया गेंद। कैंडिडेट्स की वैल्यूज होती है बट बैट्समैन भी हैं अच्छे, बैट्समैन को अगर रेंज में मिले तो बैट्समैन भी उसे क्लियर कर सकते हैं। दूसरी गेंद लेके आते हैं यहां पर अंकुर कुलदीप को, पहली गेंद तो पूरा बिल्कुल समझ में नहीं आई कुलदीप को, एक दो गेंद ले सकते हैं समझने के लिए बिकॉज अभी ये सेकंड ओवर ही है, चार ओवर का ये गेम है। अगली गेंद अब अच्छा शॉट यहाँ पर, वेट करके उसे डेलिबरेटली लेग साइड में खेला, अब स्ट्राइक पे होंगे शशांक। तीसरी गेंद और अगले बल्लेबाज स्वप्निल होंगे स्ट्राइक पर, तीन गेंद और नौ, तीन गेंदों पर एक रन आया स्वप्निल है स्ट्राइक पर। ओ गुड सेकेंड लास्ट गेंद है इस दूसरे ओवर की, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, पैर को फॉलो, स्कोर 10 रन। अगली गेंद अंकुर स्वप्निल स्ट्राइक पर, थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश में ये वाइड मिलता हुआ यहाँ पर जो एक बोनस के रूप में आ सकता है बिकॉज एक एक रन काफी कीमती है। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्वप्निल स्ट्राइक पे, अगली गेंद लेके आते हुए अंकुर राइट आर्म ओवर टू लेफ्ट आर्म ओवर एक राइट आर्म बल्लेबाज, ये गेंद देखना होगा अंपायर का राइट आर्म बोलर अब कल्पे जानेंगे तीसरा।
कल्पेश गेंदबाजी सामना करेंगे कुलदीप तीसरे ओवर के पहले गेंद लेके आते हुए। कल्पेश राइट आर्म गेंदबाज है, बैट्समैन भी राइट आर्म बेहतरीन गेंद। यहां से कुछ पता नहीं चलेगा, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन है, अंपायर का फैसला देखना होगा। अंपायर डिक्लेयर के रूप में एक रन प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। अगली गेंद लेके आते हुए कल्पेश बेहतरीन शॉट चौका, जी हाँ पहला चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। प्लीज बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा अगली गेंद लेके आते सत्रह रन दो विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेके आते हुए स्वप्निल को दो नहीं नहीं अच्छी फील्डिंग यहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, दो ओवर चार गेंद और 18 रन दो विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से कुलदीप है स्ट्राइक पर, कुलदीप स्ट्राइक पर। कल्पेश की अगली गेंद गुड शॉट, एक रन तक कलेक्ट नहीं किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको गेंद पकड़नी होती है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पकड़ लेते तो ये विकेट मिल जाती मेरे हिसाब से, बिकॉज कुलदीप स्ट्रगल कर रहे थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड तक पहुंचने में। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन दो। अभी भी 7 गेंदें बाकी है। अभी भी 7 गेंद बाकी है। 7 गेंदों में आप ज्यादा से ज्यादा 10 रन 11 12 रन भी बना दे तो अच्छा टोटल होगा। एक रन जी हाँ एक रन अवश्य मिलेगा यहां पर अपना विकेट थ्रो। तीन ओवर ओवर 20 रन ओवर हुआ। नए बल्लेबाज सनी स्ट्राइक पे होंगे। जयेश है जो बॉलर, राइट आर्म बॉलर, राइट आर्म बैट्समैन को, राइट हैंडेड बैट्समैन को माफ कीजिएगा। फुल टॉस गेंदी से मार सकते थे। अगर आपको स्कोर करना है आप खड़े रहिए, स्कोर होगा। अगर आप विकेट देते जाएंगे तो स्कोर नहीं होगा। ये अब 5 जो गेंदे बची इसमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश होगी स्वप्निल को, बिकॉज स्वप्निल पहले ओवर से ही खेल रहे तो वो सेट है, उनके बैट से अब गेंद अच्छी निकलनी चाहिए। अगली गेंद और यहां पर अपना विकेट थ्रो करके आते हुए
विकेट जाता हुआ यहाँ पर स्वप्निल का, स्वप्निल आउट होके वापस पवेलियन में जाते हुए। अभी लिख दे एबीआई अभी, अगले बल्लेबाज अभी, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते कि शायद अविनाश नाम होगा इनका। स्ट्राइक पे अभी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे सनी, गुड शॉट। अंपायर का फैसला यहां पर, थोड़ा सा कंफ्यूजन, अगले बैट्समैन राहुल हैं, स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, अच्छी गेंदबाजी की अभी तक यहां पर कल्पेश ने, अच्छा शॉट लगे ना ग्राउंड से बाहर, शॉट तो अच्छा था पर ग्राउंड के बाहर। सॉरी, जयेश को पहली हैट्रिक मिलती हुई सर, टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक, तो आपने हैट्रिक लिए। हैट्रिक ले चुके हैं, चौथी गेंद इस ओवर की है। स्कोर होता हुआ 22 रन, दो बॉल बाकी है ना, अभी भी दो गेंद है इस ओवर में, बेहतरीन गेंद। ट्वेंटी थ्री लास्ट बॉल है, तेईस रन हो चुका है, अब लास्ट गेंद पूरे तरीके से फ्लॉप। गौतम नगर क्रिकेट क्लब ऑर्गेनाइज गुड्डू भाई चषक 2020 का ये दूसरा मैच, पहला इनिंग्स समाप्त होता हुआ, 24 रनों का टारगेट दिया है, यहाँ पर चेज करना होगा, कंपलसरी चेज है, मलाड की टीम को 24 रन कंपलसरी बनाने होंगे अपने चार ओवर में इस मैच को जीतने के लिए।
24 गेंद और 24 रनों का टारगेट डिफेंड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा यहाँ पर नितेश इलेवन की गेंदबाजी यूनिट को। सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत होते हुए यहाँ पर नितेश इलेवन ने टारगेट दिया 24 रन का चेस करने के लिए। यहाँ पर पहली गेंद लेके आते हुए दूसरे इनिंग्स की राहुल लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, बल्लेबाजी में कुछ करने पाए बट उम्मीद होगी नितेश इलेवन के कप्तान और उनके टीम को कि ये गेंदबाजी से कुछ कमाल करके दिखाए। जैसे हमने देखा कि अंकुर जो लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज थे उन्होंने अपनी टीम के लिए बेहतरीन ओवर डाला। पहली गेंद लेके शुरुआत करते हुए फुल टॉस से शुरुआत किया, हालांकि एक रन रन आउट भी हो सकता था। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर अच्छा कलेक्ट करते हुए राहुल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे तो खाता खोलते हुए पहली गेंद पर यहाँ पर मलाड की टीम श्री साई स्पोर्ट एक गेंद और एक रन। वाइड गेंद बट गेंद काफी अच्छी थी, फॉलो कर रहे थे बैट्समैन को, फॉलो करना चाहते थे बट गेंद हल्की सी गेंद लेग साइड डाउन द लेग साइड और गेंद वाइड तो स्कोर बढ़ता हुआ एक गेंद और दो रन। अच्छी गेंद विकेट हो सकती थी बट काफी स्लो थ्रो किया यहां पर सनी ने, एक रॉकेट थ्रो की जरूरत थी। स्कोर बढ़ता हुआ तीन रन, दो गेंद पर तीन रन। अगली गेंद लेके आते हुए यहां पर राहुल गुड शॉट, हालांकि उसे डेलिबरेटली खेलना चाहते थे कहीं और बट लग के हल्का सा एक एज लग के गेंद जाते। अगली गेंद लेके आते हुए राहुल बेहतरीन गेंद और उससे इतना समझ में आ रहा है कि बैट्समैन के बैट से काफी अच्छी गेंद लग रही है, अच्छे संकेत नहीं गेंदबाजी टीम के लिए। अगली गेंद राहुल लेके आते हुए बैट्समैन को बेहतरीन शॉट यहां पर राहुल अच्छी टच में दिख रहे, फील्डिंग अच्छी की अभी तक जितनी भी गेंद गई है तुषार के पास उसे अच्छा स्टॉप किया है। तो राहुल अभी तक एक भी डॉट डालने में सक्षम नहीं रहे तो उन्हें डॉट की जरूरत है उनकी टीम को भी। बेहतरीन शॉट दरमियान षटक संपत है, पहले वे समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ आठ। राहुल
जो कवर्स में एक शॉट मारा, हालांकि उस पर चौका मिलना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेट दो मिला, बट शॉट से ये इंडिकेशन हमें दिख गया कि बल्लेबाज अच्छे हैं, अच्छी माइंडसेट से। बोल्ड होते हुए पहले गेंद पर एक्शन से तो की गेंद राहुल का विकेट जाता हुआ, उतनी पेस से गेंदबाजी नहीं की बट इफेक्टिव काफी लगे मुझे। पहली गेंद पर विकेट उखाड़ते हुए यहां पर अगले बैट्समैन जिन्होंने पहले इनिंग्स में जो अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेफ्ट हैंडेड जो गेंदबाज जिनकी मैं बात कर रहा था, अब स्ट्राइक पे होंगे अंकुर। चार रन मिले, ये बढ़िया बढ़िया गेंदबाज यहां पर अभी अगली गेंद लेके आते हुए, ये अच्छी रणनीति, समझ गए अंकुर की अब इस समय चौके की जरूरत नहीं, हमें सिंगल डबल से भी काम हो सकता है बिकॉज अभी भी स्कोर 13 रन 3 गेंद, एक ओवर 3 गेंद और 13 रन, अभी भी काफी अच्छा स्कोरिंग रेट से काफी आगे चल रहे। अगली गेंद ये स्टॉप तो अच्छा गया, ये 2 रन हो सकते थे अगर गेंद थोड़ी सी दाएं बाएं निकल जाती तो, 14 रन स्कोर होता हुआ। अगली गेंद अभी की अंकुर को, गुड शॉट वंडरफुल, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, मैच 6 रनों की जरूरत, ये बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर, एक रन है स्कोर, 1 रन डिक्लेयर में जाता हुआ, ये बेहतरीन बल्लेबाजी की यहां पर अंकुर ने, इसी ओवर में पूरा गेम का नक्शा ही पलट दिया। यहां पर ओवर होता हुआ, अब 12 गेंदों में महज 5 रनों की जरूरत है। अगले गेंदबाज राइट आर्म गेंदबाज कुलदीप डालेंगे समीर को, अंकुर ने बढ़िया बल्लेबाजी की यहां पर, एक ही ओवर में पूरा मैच का डायरेक्शन चेंज कर दिया, अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की पहले, उसके बाद उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए एक अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद लेके आते हुए यहां पर कुलदीप, स्कोर होता हुआ 19 रन 2 ओवर। स्टॉप अच्छा किया यहां पर नितेश ने, ये गेंद अगर थोड़ी सी भी गेंद दाएं बाएं होती तो ये भी चौका मिल जाता, अभी तक 2 बार ऐसा देखा गया है, मिसफील्ड के बाद भी गेंद को पकड़ा गया अथवा 2 चौके बचाए यहां पर, बट फिर भी स्कोर 20 रन होता हुआ, मैच 4 रन की जरूरत। और यहां पर डायरेक्ट देखना होगा अंपायर और विशाल, न्यू बैट्समैन विशाल, राइट आर्म राइट आर्म, 4 रनों की जरूरत अभी भी। नॉन शेकिंग हैंड से समझाते हुए अच्छा शॉट यहां पर, इसे बोलते लेट कट, क्रिकेट में एक टर्म होता है लेट कट, उसे बॉल को पूरा आने दिया अपने पास तक, ऐसा लगा कीपर के हाथों से वो गेंद निकाल दी, 1 रन मिलता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। बेहतरीन शॉट यहां पर, 1 रन और मिल गया, ये भी रन आउट हो सकता था बट फर्स्ट अटेम्प्ट में बॉल कलेक्ट नहीं पड़ रहा, मैच 2 रनों की जरूरत।
दो बॉल बाकी है, दो रनों की जरूरत। वाइड गेंद और वाइड प्लस ना एक रन है, माफ कीजिएगा। और यहाँ पर स्मार्टली खेलते हुए और तीन ओवर में मैच फिनिश कर दिया है। यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अंकुर मुक्ता देवी पैकर मुक्ता देवी वर्सेस फेमस। प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए टॉस के लिए। तो मैं इस मैच